बिलासपुर के कोनी स्थित आदर्श आईटीआई का सोमवार को एनएसयूआई ने छात्र आक्रोश महारैली का आयोजन किया। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश महासचिव अर्पित केशरवानी की अगुवाई में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों ने आईटीआई में जमकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य और संस्थान प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए कहा कि एनएसयूआई ने कहा है कि आईटीआई के प्राचार्य ज्वाइंट प्रभार में हैं और कभी भी संस्थान में नहीं आते। वहीं हॉस्टल में गंदे वॉशरूम, टूटी पलंग समेत तमाम अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं। इसके साथ ही छात्रों से वसूली और डराने धमकाने जैसे कई आरोपों के साथ एनएसयूआई ने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान आईटीआई के प्रभारी प्राचार्य ने व्यवस्थाएं सुधारने की बात भी कही है। बिलासपुर से संवाददाता अमित पाटले की खास रिपोर्ट। है ना, मैं तो जांच की मांग करता हूँ। विकास गुप्ता करके ट्रेनर है जो वो अपने एक मिनट रुकिए, वो ट्रेनर अपने घर ले जाके काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये छात्रावास है, देखो ये छात्रावास में ऊपर छत में जो बालकनी होती है उसमें बच्चा चढ़ा हुआ है। देखिए, बच्चा देख के तुरंत कूदा। अरे यार, यहाँ से कोई गिर जाएगा तो क्या होगा उसका? प्रमुख रूप से और किस तरह से आश्वासन आप लोग को मिला? आज एनएसयूआई के साथीगढ़ शासकीय कोनी आईटीआई पहुँचे हैं, अपना विरोध प्रदर्शित किए हैं। यहाँ पिछले कई समय से प्रभारी प्रिंसिपलों के द्वारा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था, जिसका बच्चों को किसी प्रकार का जो शासकीय लाभ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था। ट्रेनर आते थे, हस्ताक्षर करके चले जाते थे, लेकिन पढ़ाई किसी प्रकार की नहीं होती थी। यहाँ व्यवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि हॉस्टल में सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर एनएसयूआई ने 12 सूत्री जांच की मांग की गई है और 10 दिन के भीतर इसमें जवाब मांगी है। अगर जवाब नहीं देगी तो एनएसयूआई चक्का जाम भी करेगी और आगे उग आंदोलन भी करेगी। ठीक, गंभीर आरोप भी लगे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, काम काज को लेकर करेंगे। कोई प्रशिक्षणार्थी के लिए कोई समस्या हो हमारे पास आ सकते हो तो वो भी रखेंगे। जो भी होगा, जो शिकायत करने पे प्रताड़ना का आरोप लगाया एनएसयूआई ने, उस बात पे आप शांत थे? शांत क्यों थे? आरोप लगाया मतलब प्रताड़ना हो रही है? देखिए, क्या है, कोई शिकायत उचित में है देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।